गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट से सॉरी एमएससी फाइनल ईयर में हेटेरोसाइक्लिक वाली बुक की हेटेरोसाइक्लिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स वाला जो पेपर है उसमें यूनिट सेकंड चल रही है। अपने यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे बेंजोफ्यूज। इससे पहले तो हमने पढ़े थे जो नॉर्मल हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स थे, जैसे कि ऑक्सीटेंस था, थायटेंस था, बेंजोपाइरोल्स था, ये सब हम पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं। यूनिट सेकंड में वे कंपाउंड्स पढ़ने जिसमें बेंजीन रिंग के साथ में हेटेरोसाइक्लिक की रिंग है वो अटैच होती है। फ्यूज्ड का मतलब अटैच होते हैं, बेंजो फ्यूज्ड फाइव मेंबर हेटेरोसाइक्लिक। इन कंपाउंड्स में बेंजीन रिंग होगी जो कि फाइव मेंबर जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनके साथ में क्या रहेगी, अटैच रहेगी। ठीक है, सबसे पहला जो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे इसमें बेंजो फ्यूज्ड फाइव मेंबर हेटेरोसाइक्लिक, उसमें है अपना बेंजो फ्यूरेन्स। जो बेंजो फ्यूरेन है वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है, एक बेंजो फ्यूज्ड फाइव मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। बेंजो का मतलब इसमें बेंजीन रिंग है, उसके साथ में क्या जुड़ी हुई है, फाइव मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो फ्यूरेन है जिसमें हेटेरो एटम के रूप में ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है, ये दोनों आपस में क्या होती है, ऐड होती है। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से रहेगी, ये अपनी बेंजीन रिंग है, इसके साथ में जुड़ी हुई है ये ऑक्सीरेन की रिंग। इस कंपाउंड्स का नाम क्या रहेगा, ये देखो बेंजीन है, ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है ये फ्यूरेन, एक साथ में इसका नाम रहेगा बेंजो फ्यूरेन। हेटेरो एटम क्या है इसमें, ये वाला ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसकी स्टडी हम दो प्रकार से, एक इसमें मुख्य रूप से जो कोलतर होता है ना अपना मोस्टली उसमें ये पाया जाता है। इसके अलावा इसका अपने क्या पढ़ना है, तो सिंथेसिस कि ये किन किन मेथड से बनता है, दूसरा पढ़ना है हमें इसकी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका ही तो होगी, इसकी दोनों स्ट्रक्चर होगी, बेंजीन के साथ में फ्यूरेन अटैच होगा उसको हम बोलेंगे बेंजो फ्यूरेन, ये सिक्स मेंबर है और ये वाला फाइव मेंबर है। अब हम पढ़ेंगे बेंजो फ्यूरेन की सिंथेसिस, तो इसमें बेंजो फ्यूरेन में घड़ेंगे के लिए आप सिंथेसिस। ठीक है, कि इसका संश्लेषण या सिंथेसिस हम किस प्रकार से करेंगे बेंजो फ्यूरेन का। ठीक है, तो बेंजो फ्यूरेन पढ़ रहे हैं आज क्लास में हम, बेंजो फ्यूज्ड फाइव मेंबर हेटेरोसाइक्लिक में पढ़ेंगे हम, आज का अपना रहेगा ये सिंथेसिस में बेंजो फ्यूरेन्स। ठीक है, सिंथेसिस में सिंथेसिस के तीन मेथड है, उसमें से पहला मेथड हम पढ़ेंगे इसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन। सिंथेसिस ऊपर लिखते हैं थोड़ा, फर्स्ट मेथड रहेगा इसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन में हम पढ़ेंगे इसका फ्रॉम क्यूमेरिन्स। ठीक है, फ्रॉम क्यूमेरिन्स। ठीक है, क्यूमेरिन्स में रिंग कॉन्ट्रैक्शन होने से किस प्रकार से यहाँ पे बेंजो फ्यूरेन्स का फॉर्मेशन होगा वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, कई स्टेप होते हैं इसके अंदर, थ्री स्टेप होते हैं। ठीक है, इसके इससे जब रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसमें टोटल कितने स्टेप होते हैं, थ्री स्टेप होते हैं, तीनों को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप है उसमें क्या होगा, ब्रोमिनेशन करवाएंगे हम क्यूमेरिन्स का। तो फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे ब्रोमिनेशन ऑफ ऑफ क्यूमेरिन्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ब्रोमिनेशन ऑफ क्यूमेरिन्स, प्रोडक्ट बनेगा वो अपना रहेगा डाई ब्रोमो क्यूमेरिन। प्रोडक्ट बनेगा अपना डाई ब्रोमो क्यूमेरिन्स। अब क्यूमेरिन्स क्या है, किस प्रकार से उसका ब्रोमिनेशन होगा, तो उसमें देखिए क्यूमेरिन्स है वो अपना इस प्रकार से होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, क्यूमेरिन्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे हम मान लेंगे डबल बॉन्ड हो गया और इसके साथ में यहाँ पे मान लेंगे ये क्या अपना क्यूमेरिन्स है। ठीक है, इसके नीचे हम नाम लिखते हैं क्यूमेरिन्स, इसका हम करवाएंगे ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन में हम लिखेंगे बी आर टू। ब्रोमिनेशन किसके प्रेजेंस में होगा, बी आर टू के प्रेजेंस में होगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, रेडिकल है तो हम फ्री रेडिकल वाले मैकेनिज्म कंसिडर करें या फिर इस प्रकार से करें, तो इसमें क्या बनेगा बी आर पॉजिटिव और साथ में बी आर नेगेटिव। पॉजिटिव वाला यहाँ जाके अटैच हो जाएगा, नेगेटिव वाला यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे खत्म हो जाएगा।
जो प्रोडक्ट बनेगा वो अपना बनेगा कुछ इस प्रकार से, और एक बी आर यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे क्या देगा, डाई ब्रोमो ट्यूमेरिक, डाई ब्रोमो ट्यूमेरिक हो गया ये अपना रिंग कॉन्ट्रेक्शन से, ये इस प्रकार से अपना बन जाएगा। फर्स्ट स्टेप हुआ, ये थ्री स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप में क्यूमेरिन का ब्रोमिनेशन होने से डाई ब्रोमो क्यूमेरिन से वो हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करवाना है, तो सेकेंड स्टेप में इसका मतलब देखो, इसकी हमें अपने को जो डाई ब्रोमो क्यूमेरिन प्राप्त होता है इसकी रिएक्शन हमें किसी एल्कली यानी क्षार के साथ में करवानी है, ठीक है, क्षार के साथ में करवाएं तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, एक एसिड है वो प्राप्त हो जाता है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में अपने क्या करवाना है, इसकी रिएक्शन करवानी है, स्टेप सेकेंड लेंगे अब यहाँ पे, स्टेप सेकेंड में हम इसका यूज करेंगे, तो इसी से स्टार्ट करते हैं इस साइड से हम। सेकेंड स्टेप में हम करेंगे रिएक्शन विथ एल्कली, सेकेंड स्टेप आ गया अभी, रिएक्शन विथ एल्कली यानी किसी अक्षार के साथ में, अक्षार के रूप में मान लीजिए हम ले रहे हैं KOH। इस सेकेंड स्टेप में फर्स्ट स्टेप में बने हुए डाई ब्रोमो क्यूमेरिन की रिएक्शन किसी बेस के साथ में करवाई जाती है तो प्रोडक्ट के रूप में हमें वहां पे एसिड प्राप्त होगा, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है यहीं से हम रिएक्शन इसकी स्टार्ट करवा देंगे, तो देखें यहाँ पे क्या बनेगा, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम किसी बेस जैसे एल्कली KOH के साथ में करवा देंगे, तो यहाँ से अपने को क्या बनाना है वो देखें, इसमें हम करेंगे यहाँ से, अब देखिए इसमें KBr निकालेंगे फर्स्ट स्टेप में, K पॉजिटिव, यहाँ से ये Br निकल जाएगा, Br नेगेटिव रूप में, तो माइनस में हम लिख देंगे, यहाँ पे बन गया KBr। अब देखें ये वाली रिंग भी यहाँ से ब्रेक कर जाए इस प्रकार से, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ जो कार्बन है उस पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, उस पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा ये OH नेगेटिव, देखें किस प्रकार से बनेगा अपना, ये वाला हो गया, इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कार्बन है उसके साथ जुड़ा हुआ है Br, यहाँ पे नेक्स्ट क्या लगा है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O और ये H, ये OH ज्यादा ऐड हो गया ना, इस वाले ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ गया, इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखें इसमें नेक्स्ट स्टेप में अपने को क्या करना है, मान लीजिए अब नेक्स्ट स्टेप में ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है, ठीक है, अब इसमें क्या करें अपन की ये इस प्रकार से हो जाए कि ये वाला बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक हो, बी आर नेगेटिव, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाए तो यहाँ तो डबल बॉन्ड बनेगा ही बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इसके साथ में नहीं सॉरी ये डबल बॉन्ड नहीं बनेगा यहाँ पे, अब ये वाला किसके साथ में जुड़े, इसके साथ में, तो ये टूटेगा तो 1 2 3 4 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, ये बी आर नेगेटिव के रूप में निकल गया, तो यहाँ पे बन गया अपना वापिस यहाँ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जुड़ा है डायरेक्ट किसके साथ में, ये कार्बन है इसके साथ जुड़ गया, और ये कार्बन आगे जुड़ा हुआ है किसके साथ में, सी डबल ओ एच के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और ये कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं ना, 1 2 3 एक सब हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन है और ये क्या है पॉजिटिव चार्ज, नेक्स्ट स्टेप में ये वाला बॉन्ड यहाँ से घूमेगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा एच पॉजिटिव के रूप में, ये एच पॉजिटिव ये बी आर नेगेटिव मिलके आपस में बात की बात है कि ये एच बी आर बना लेंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो लास्ट में अपना जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो रहेगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये कार्बन है, या फिर इसको नीचे की साइड में लिखते हैं, यहाँ पे तो कार्बन था, ये भी कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड है और ये जुड़ा हुआ है यहाँ पे इस प्रकार से सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये बनेगा अपना, इसको बोलते हैं क्यूमेरिलिक एसिड, नाम रखेगा इसका, ये सी डबल एच आ गया ना, इसका मतलब ये एसिड है क्यूमेरिलिक एसिड, ये होगा अभी इसका सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में ब्रोमिनेशन, सेकंड स्टेप में रिएक्शन करवाएंगे किसी बेस के साथ में तो बन जाएगा अपना एसिड, उसके बाद लिखेंगे हम थर्ड स्टेप इसका,
अब देखिए इसका थर्ड स्टेप करेंगे, उसमें करेंगे हम ये जो एसिड बन है ना उसकी रिएक्शन हम करवाएंगे सोडा लाइम के साथ में, डी कार्बोक्सीलेशन करेंगे। ठीक है, तो थर्ड स्टेप है इसमें, दो स्टेप हो गए, यहाँ तक एसिड बन गया। थर्ड स्टेप में हम लिखेंगे इसमें डी कार्बोक्सीलेशन विथ सोडा लाइम, सी स्टेप होगा तो उसका नाम रहेगा डी कार्बोक्सीलेशन, कार्बोक्सीलेशन विथ सोडा लाइम। सोडा लाइम के साथ में क्या करवाना, डी कार्बोक्सीलेशन। सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या रहेगा, NaOH प्लस में CaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का जो मिक्सचर होता है उसे हम सोडा लाइम के नाम से जानते हैं। अब जो अपना सेकेंड स्टेप है लास्ट में क्यूमेरिलिक एसिड बना है, वो एसिड सोडा लाइम के साथ में रिएक्शन करेगा जिससे डी कार्बोक्सीलेशन होगा। डी कार्बोक्सीलेशन का मतलब है उसमें से CO2 गैस बाहर निकलेगी और प्रोडक्ट मिलेगा हमें बेंजोफ्यूरिन। बेंजोफ्यूरिन चाहिए था अपने को। अब देखें लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें क्यूमेरिलिक एसिड है उसका क्या किया जाएगा, डी कार्बोक्सीलेशन है वो हम यहाँ पे करेंगे। देखें इसमें डी कार्बोक्सीलेशन है कुछ इस प्रकार से रहेगा अपने, डी कार्बोक्सीलेशन में हम पढ़ेंगे यहाँ पे ये था अपना, ये बनाता अपना इस प्रकार से CH डबल बोन CH ऑक्सीजन, इस प्रकार हाइड्रोजन नहीं था, ये इस प्रकार से था क्यूमेरिलिक एसिड हो गया अपना। ठीक है, इसकी रिएक्शन अपने करवानी है सोडा लाइम के साथ में NaOH प्लस में CaO, डीकार्बोक्सीलेशन होगा, CO2 गैस बाहर निकलेगी, CO2 गैस से बाहर निकले तो हम बोलेंगे ऐसे और ये ऐसे, मतलब इस वाले कार्बन नेगेटिव पे H पॉजिटिव आगे जुड़ेगा और यहाँ से ये CO2 बाहर निकल जाएगी तो अपना प्रोडक्ट बनेगा डायरेक्ट यहाँ से, ये बेंजीन रिंग है और इसके साथ में ये बन जाएगा। ठीक है, और ये वाला डबल बॉन्ड रहेगा यहाँ पे, इसी का नाम क्या है, बेंजो फ्यूरिन। ठीक है, ये सेकंड स्टेप के लास्ट में वो क्यूमेरिलिक एसिड है और इसका डीकार्बोक्सीलेशन करवाने से हमें बेंजोफ्यूरिन प्राप्त हो जाएगा। ये था बेंजोफ्यूरिन बनाने का फर्स्ट मेथड, रिंग कॉन्ट्रैक्शन से फ्रॉम क्यूमेरिन से बनाया हमने इसको। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सेकंड सिंथेसिस मेथड। देखें सेकंड सिंथेसिस मेथड में हमें किस प्रकार से ये बनाना है वो पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मिलेगा फ्रॉम ऑर्थो सबस्ट्रेट फिनोल यानी इंट्रा मॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन से बनाना है अपने को। सेकंड रहेगा मेथड फ्रॉम इंट्रा मॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन। ठीक है, देखें इंट्रा मॉलिक्यूलर सेकंड है सिंथेसिस का मेथड, इंट्रा मॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन। ठीक है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूट फिनोल यानी फिनोल जिनकी ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ हो उनसे बनेगा ये मेथड इंट्रा मोलिकुलर साइक्लाइजेशन। देखें इसमें फ्रॉम ऑर्थो सब्स्टिट्यूट फिनोल यानी कि जब ऑर्थो सब्स्टिट्यूट फिनोल है उनकी रिएक्शन करवाई जाए किसके साथ में, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड एल्किल ग्रुप के साथ में। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड एल्किल ग्रुप हैं उनके साथ में जब ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल की क्या करवाई जाती है, रिएक्शन करवाई जाती है तो वहां पे इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन होती है और इसके द्वारा हमें बेंजोफ्यूरिन प्राप्त हो जाती है। किसकी रिएक्शन करवाई जाएगी तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स हैं उनकी रिएक्शन जब सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड एल्किल ग्रुप से करवाई जाती है तो वहां पे इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन होने से प्रोडक्ट के रूप में हमें
बेंजोफ्यूरेंस प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे बनाएंगे रिएक्शन। देखें फर्स्ट रिएक्शन में आ जाएगा अपने यहाँ पे ऑर्थो पे अपने को एलिल फिनोल बना रखा है अपने, ऑर्थो एलिल फिनोल या फिर हम बोले ऑर्थो एसिल फिनोल है, ऑर्थो एसिल फिनोल। ये तो हो गया अपना फिनोल, ये फिनोल है या फिर हाँ यहाँ से देख लो ऑर्थो फिनोल है, ये है अपना फिनोल। इसकी ऑर्थो पोजिशन ये भी है और ये भी है, इन दोनों में से किसी भी एक पोजिशन पे क्या जुड़ा हुआ हो, कोई ग्रुप जुड़ा हो, जैसे कि ये है इसका नाम ये एसिल ग्रुप है, तो इसको हम बोलेंगे ऑर्थो एसिल फिनोल। इसकी रिएक्शन हम करवा दीजिए, मान लीजिए किसी भी देखिए ऑर्थो सबस्ट्रेट फिनोल्स में हम बात करते हैं, सबसे पहले ऑर्थो क्लोरोफिनोल की। ठीक है, ये रहेगा अपना कुछ इस प्रकार से, ऐसे बोले इसको OH यहाँ पे मान लेते हैं और ये क्या है Cl है, या फिर OH को यहाँ रखते हैं Cl, ये हो जाएगा अपना ऑर्थो क्लोरोफिनोल। इसकी रिएक्शन हमने करवा दी मान लीजिए यहाँ पे CuC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कोई एल्किल ग्रुप है, अनसेचुरेटेड है क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा इसमें, यहाँ से हम बनाएंगे ये सॉरी ये CuCl माइनस में निकाल देंगे यहाँ से CuCl, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव वाला कार्बन जुड़ेगा यहाँ पे जाकर इसके साथ में, तो क्या बनाएगा ये इसके साथ में कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एच, एच नहीं तो हम आर भी ले सकते हैं, एक ही बात है एल्किल ग्रुप आ गया, यहाँ पे जुड़ा हुआ है अपना OH इस प्रकार से, फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद देखें सेकंड स्टेप में क्या होगा, ठीक है देखिए यहाँ तक हो गया स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में अपने को इससे बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अपने को इससे बनाना है बेंजोफ्यूरिन्स, क्या चेंज हो सकता है बेंजोफ्यूरिन इस प्रकार से बनेगा, ये है और यहाँ पे है ऑक्सीजन है और ये वाला बनेगा डबल बॉन्ड, ये याद रखना अपने को, ये वाला कार्बन यदि इसको हम इस प्रकार से लिखें, यहाँ पे ये कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड सी है और ये क्या है आर है, किस प्रकार से बन सकता है ये, यदि इस पे आए नेगेटिव चार्ज और इस पे आए पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि ये वाला बॉन्ड ऐसे घूम गया, ये H पॉजिटिव जाके इस कार्बन नेगेटिव से जुड़ेगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में से केवल क्या बचेगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे इस वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है R, तो ये क्या बन गया अपना बेंजो फ्यूरेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से बेंजो फ्यूरेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा इंट्रा मोलिकुलर साइक्लाइजेशन से ऑर्थो सब्स्टिट्यूट फिनोल रिएक्शन किसी भी सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड एल्किल ग्रुप से करवाने से, इस प्रकार से इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन होगा और बेंजोफ्यूरेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। ये रहेगा सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसके लिए, बेंजोफ्यूरेन के लिए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अपन इसका थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हो गया होगा उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला, इसी में पढ़े यदि एक और देखें यहाँ पे तो वो हम कर लेंगे क्लेजन रीअरेंजमेंट कर लो इसी के अंदर, या फिर इसका ये तो हो गया मेथड साइक्लाइजेशन वाला, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम थर्ड मेथड है इसका किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, सारे वैसे इजी हैं, सेम में सेम ही प्रोसेस लग रही है लगभग सभी में। थर्ड में देखें थर्ड में हम कराएंगे जैसे कि अपना कंपाउंड्स है आयोडोफिनोल, थर्ड है इसका ये मेथड कंपाउंड से अपना आयोडोफिनोल। ठीक है, ये OH ऐड कर दिया और यहाँ पे क्या है आयोडो, नाम हो जाएगा इसका आयोडोफिनोल।
कैनेडियन उत्प्रेरक है ना, उसकी उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। इसकी रिएक्शन बनाते हैं टू प्रोपाइन वन ओल से, टू प्रोपाइन वन ओल CH2OH, वन टू टू पे क्या है आई ने, तो इसका नाम हो जाएगा टू प्रोपाइन वन ओल। कैटलिस्ट हम लेंगे यहाँ पे प्लेडियम क्लोराइड, ठीक है, प्लेडियम क्लोराइड। और इसके अलावा हम ले सकते हैं इसमें ट्राईएथिल एमीन भी ले सकते हैं, डाईमेथिल फार्मामाइड, जैसे डाईमेथिल फार्मामाइड और ट्राईएथिल एमीन ले लिया हमने, और उसके साथ में हम टेम्परेचर ले लेंगे इसमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस में ये ले लेंगे ना। अब हम इसकी क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाएंगे, तो रिएक्शन में अपने को क्या मिलेगा वो देखना है अपने को, ठीक है। यहाँ पे अपने कहते हैं कि आयोडीन को तो यहाँ रख लें, इजी रहेगा समझने में, और ओएच को हम यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और आई नेगेटिव एच पॉजिटिव, माइनस में एच आई के फॉर्म में निकल गया, इस कार्बन पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव जुड़ेगा इस नेगेटिव से, तो ये आएगा अपना कुछ इस प्रकार से, का ये वाला कार्बन जुड़ गया, हाइड्रोजन तो हट गया इसका, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है नेक्स्ट कार्बन से, यहाँ पे क्या है अपना OH है, और यहाँ से है CH2OH। आगे वाला तो पीछे वाले जैसा सेम ही स्टेप, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड बचेगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये जो H पॉजिटिव है वो घूम के इस कार्बन नेगेटिव पे चला जाएगा, तो यहाँ पे जो अपना प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, इस वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है ये जो डबल बॉन्ड है इसके आगे वाला ये, और इस पे जुड़ा हुआ है ये CH2OH, ये भी क्या अपना बेंजो फ्यूल, यहाँ पे कुछ भी ग्रुप जुड़े हो सकते हैं, सिर्फ इससे मतलब है ये होना चाहिए अपना बेंजो फ्यूल, ठीक है, जिसका नाम रखते हैं टू हाइड्रोक्सी मेथिल बेंजो फ्यूल नाम है इसका, ठीक है, वन टू थ्री इस प्रकार से, टू पे क्या टू हाइड्रोक्सी मेथिल, टू हाइड्रोक्सी मेथिल नाम है इसका, तो इसका नाम हो जाएगा टू हाइड्रोक्सी मेथिल मेथिल बेंजो फ्यूल, ये इसका क्या हो जाएगा नाम हो जाएगा, तो ये रहेगा इसका थर्ड मेथड ऑफ सिंथेसिस फ्रॉम आयोडोफिनोल। उसके बाद में देखें फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसका, वो हम पढ़ेंगे। फोर्थ में पढ़ना है फ्रॉम अल्फा एरिलोक्सी कीटोन्स, फ्रॉम अल्फा एरिलोक्सी कीटोन्स, ये अल्फा एरिलोक्सी कीटोन कंपाउंड्स है, इसकी रिएक्शन जब हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी जो H2O मॉलिक्यूल उसको बाहर निकालते हैं कंपाउंड्स में से, उसको हम क्या बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, ठीक है। अब देखिए फोर्थ सिंथेसिस मेथड हम लिखेंगे फ्रॉम अल्फा एरिलोक्सी कीटोन्स, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे जिंक क्लोराइड से करवाएंगे, किससे करवानी है डिहाइड्रेटिंग एजेंट से ना, उससे हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे, उसमें रहे तो जिंक क्लोराइड हो गया, H2SO4 है वो भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और इसके अलावा KOH भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है, इसके अलावा POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है वो भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। अब देखते हैं कि ये अल्फा एलोक्सीकीटोन है, इसका क्या करवाएंगे, ये इसमें से H2O मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालेंगे जिससे अपने को बेंजो फ्यूरेंस यहाँ पे प्राप्त होगा। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है अल्फा एरिलोक्सीकीटोन की, जिससे भी अपन सिंथेसिस करवाते हैं ना उन सभी में ये बेंजीन रिंग कॉमन है, सभी के अंदर कॉमन है, ये होगी तभी आगे बनेगा, इसके साथ में कुछ भी लगा हुआ हो सकता है लेकिन ये तो ये उसके अंदर रहेगी ही। यहाँ पे मान लीजिए ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पे CH2, यहाँ पे कार्बन है डबल बॉन्ड है और इससे कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं अल्फा एरिलोक्सी कीटोन। देखो कीटोन यहाँ पे है, सी डबल बॉन्ड आर आर, ये कीटोन है, एरिलोक्सी अल्फा एरिलोक्सी बोल रहे हैं इसको, ठीक है, ये इससे जुड़ा हुआ ना, ये इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा हुआ कीटोन को हम बोलेंगे अल्फा एरिलोक्सी कीटोन।
इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यहाँ पे जो हमने लिख रखे ना इतने सारे, इनके साथ में हम इनकी रिएक्शन है वो करवा देंगे। सभी में कॉमन क्या आएगा कि एच पॉजिटिव आयंस होगा, एसिडिक मीडियम में करवाने हैं तो ये सभी को लिख देते हैं एक साथ में। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है H2SO4 हो गया, QOH हो गया और या फिर POCl3 हो गया। ये क्या होगा कि इस पे क्या है, लोन पेयर है तो इसपे भी लोन पेयर, लेकिन इसके कंपेरिजन में इस वाले इजीली अवेलेबल होते हैं क्योंकि ये तो आगे किसी और से बंधा हुआ नहीं है, ये चले गए इसके पास में। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया हाइड्रोजन को जुड़ने के लिए, तो देने वाले पे पॉजिटिव, लेने वाले पे नेगेटिव। हाइड्रोजन ले रहा है इस पे नेगेटिव आएगा, पहले से पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल। लेकिन ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है हाइड्रोजन को एच पॉजिटिव को, और देने वाले पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से कि इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हाइड्रोजन को जुड़ने के लिए, दो दिए, दो इसके ऊपर उपस्थित है, कार्बन है ये है और यहाँ से सॉरी डबल बॉन्ड है ये अभी तक, और यहाँ से जुड़ा हुआ अपना OH और इस पे कुछ लगा CH2। अब इसमें से क्या करवाना है अपने, डिहाइड्रेटिंग का मतलब क्या है कि H2 मॉलिक्यूल्स बाहर निकालना है। किस प्रकार से निकलेगा, यहाँ दो H2 में से एक H को ऐसे लिख देंगे, ये जाएगा यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाएगा और ये वाला टूटेगा इस प्रकार से, और ये वाला जो एच है पॉजिटिव के रूप में ये इसके पास ही चला जाएगा। ठीक है, मतलब पहले स्टेप में अपन इतना ही करते हैं, ये निकले जाते सिर्फ इतना करेंगे, कार्बन ये बॉन्ड इस साइड गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, लेकिन कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ पे कार्बोकेटायन बन गया। पहले तो कार्बोकेटायन कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये आपका आ गया OH और अभी भी इस पे लोन पेयर है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और R CH H और ये जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला यहाँ जाएगा, ये इस प्रकार OH नेगेटिव, OH नेगेटिव के साथ में ये H पॉजिटिव जाएगा और ये माइनस में H2O के फॉर्म में निकल जाएंगे, और इस कार्बन के ऊपर अब कुछ नहीं बचेगा क्योंकि ये जाने से और फिर ये यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड की फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे इसको कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब इस पे चार्ज कौन सा आएगा, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल से, ठीक है, CH ये वाला हो गया। अब इसमें हम क्या लिखेंगे यहाँ से कि ये ऑक्सीजन है, ये इस पे जुड़ा हुआ है CH और यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड, ये है कार्बन, इस जुड़ा हुआ 1 2 3 4 1 इस पे क्या पॉजिटिव। अब शुरू में जो हमने एच पॉजिटिव लिया उसको भी तो मम्मी क्या करना है, हटाना है यहाँ से, तो ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पे अभी भी क्या पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ गया तो एक पॉजिटिव और आ गया, मतलब पहले ये नहीं देख रही, ये ऐसे घूम के गया कार्बन पे नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल। अब वापस ये बॉन्ड टूटेगा, क्यों, ये एच पॉजिटिव ओएच नेगेटिव निकलेगा तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव नेगेटिव आएगा तभी तो ये जुड़ेगा, H2O बनेगा, इस कार्बन पे चार्ज क्या रहेगा, वापस पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा तो ये बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक होगा, नहीं ये हाइड्रोजन वापस एच पॉजिटिव के रूप में निकलेगा जो हमने यहाँ से शुरुआत में लिया था वो, और ये नेगेटिव आते ही इसके साथ मिलेगा। तो नेक्स्ट अपना बन जाएगा यहाँ से ये है और इसके साथ में ये अपना बन गया और जुड़ा हुआ यहाँ पे आर है बेंजो फ्यूरेंस। ठीक है, ये थे आपके मेथड ऑफ सिंथेसिस, क्या बनाने के, बेंजो फ्यूरेन बनाने के मेथड ऑफ सिंथेसिस हो गए। उसके बाद में पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे हम बेंजो फ्यूरेन की। इजी है केमिकल रिएक्शन, सीधे ही सब इसमें देखना है कि कहाँ पे जुड़ेगा ये वाला। दो प्रकार से होती है, एक दो कंपाउंड्स बनेंगे सभी में, एक मोर स्टेबल रहेगा और दूसरे वाला इसमें क्या रहेगा, लेस स्टेबल। किस प्रकार से होंगे देखें, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसमें केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। दो प्रकार से होंगे अपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे हम यहाँ पे बना लेते हैं बेंजोफ्यूरेंस, बना लिया, ये अपना बन गया बेंजोफ्यूरेन। अब देखें इसमें दो प्रकार से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है इसमें इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ई पॉजिटिव, यहाँ पे भी लिखते हैं, ये देखो ये वाली क्या है अल्फा और ये वाली क्या है बीटा, या फिर इसको हम बोलते हैं ये वन है पोजिशन, ये सॉरी ये टू है, वन तो ये है, ये टू है और ये वाली बीटा वाली क्या है थ्री पोजिशन है। यहाँ पे यहाँ पे हम लिखेंगे अटैक एट अल्फा पोजिशन, तो यहां पे हम लिखेंगे अटैक एट अल्फा पोजीशन और यहां पे हम लिखेंगे अटैक एट बीटा पोजीशन, ठीक है। एक तो अल्फा पोजीशन पे अटैक करवा लें, दूसरा हमें बीटा पोजीशन पे अटैक करवा लें। यदि ये बॉन्ड टूटे इस प्रकार से, तो यहां नेगेटिव है, यहां नेगेटिव है, इसका मतलब ये ई पॉजिटिव कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा, वो होगी बीटा पोजीशन पे अटैक। ये बनेगा इस प्रकार से कंपाउंड्स, और ये अपना बन गया, और यहाँ पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, और यहाँ पे तो हाइड्रोजन था ही, और एक आ गया यहाँ पे ई इलेक्ट्रोफाइल आ गया, ठीक है। ये बनेगा इस प्रकार से बीटा प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरे वाले में देखो यहां से किस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे ये बॉन्ड है वो यहाँ आएगा, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक कर देगा, तब जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। इस बार इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एच और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। इस प्रकार से यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक प्रोडक्ट यहाँ पे लेस स्टेबल होता है, दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होता है मोर स्टेबल होता है। इसके लिए ये बोला जाता है कि ये वाला प्रोडक्ट है यहाँ पे ये है लेस स्टेबल, और ये प्रोडक्ट बन रहा है वो है यहाँ पे मोर स्टेबल। अब इनको हमने लेस स्टेबल मोर स्टेबल क्यों बोला है, उस वो डिपेंड करते हैं यहाँ बनने वाले ट्रांजिशन स्टेट पे। अब यहाँ जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो किस प्रकार से बनेगी, इसमें देखो कैसे बनेगी, ये वाला किस प्रकार से होता है वो देखना है पहले, ये वाला, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट से बताएंगे अपन, ऐसे पता नहीं चलता केमिकल रिएक्शन में कौन सा स्टेबल है। इसमें देखो पहले ट्रांजिशन स्टेट कौन सी बनेगी, यदि ऐसा हो, ये पहले हमने नहीं देखा, सिर्फ अपने को इतना पता है, इतना यहाँ पे क्या है लोन पे इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ जाए तभी तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये यदि यहाँ जाते तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव और इस पे क्या है नेगेटिव, यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड, यानी इस प्रकार से बन गया ये, और ये है और ये ऑक्सीजन है, यहाँ डबल बॉन्ड भी बन गया और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ये, और यहाँ पे अपना बन गया नेगेटिव चार्ज, तभी तो ये वाला इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे अपना चल रहे इलेक्ट्रोफाइल्स जोड़ने हैं, यहाँ जुड़ जाएगा यानी ये बॉन्ड वापिस, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ के जाके जुड़ जाएगा वो वाला बनेगा, यानी कि ये वापिस यहाँ घूमेगा, इसका नेगेटिव खत्म, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ लेकर के अब यहाँ पे ये एच पॉजिटिव, ई पॉजिटिव जा जुड़ेगा, ये खत्म हो गया, इसका नेगेटिव चार्ज ये बनेगा। ये वाला अल्फा पोजिशन पे कैसे बनेगा देखें, अल्फा पोजिशन वाली ट्रांजिशन स्टेट इस प्रकार से बनती है कि यहां से ये आए, इस बार ये बॉन्ड यहां से ऐसे घूम के आए, यहां घूम गए तो इस पे नेगेटिव चार्ज है और यहां पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया अपना नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया इसके ऊपर, अब इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया है और ये बन गया दो बन गए। अब देखें ये क्या बन गए, इनकी अल्फा पोजीशन पे अटैक की और बीटा पोजीशन पे अटैक हुए, उनकी ट्रांजिशन स्टेट है वो यहाँ पे बन गई। अब हम तो इसके अंदर कौन सा देख रहे हैं, इसकी ट्रांजिशन स्टेट में देखें, इस वाली बीटा पोजीशन वाली ट्रांजिशन स्टेट में क्या है, ऑक्सीजन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे क्या है नेगेटिव चार्ज, इसमें क्या है ऑक्सीजन में तो कुछ है नहीं लेकिन कार्बन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज,
ऑक्सीजन की ईएन कार्बन से हमेशा ही ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन भी तो आना क्या चाहिए, नेगेटिव चार्जेस की कैपेसिटी होती है कि नेगेटिव चार्ज ही लेगा, पॉजिटिव चार्ज पे कभी नहीं आएगा। और यदि किसी केस में ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज हो और साथ में कार्बन पे नेगेटिव हो, कार्बन पे नेगेटिव हो और ऑक्सीजन में पॉजिटिव हो जैसे यहाँ पे है, तो वो कंडीशन वहां पे हमेशा ही क्या बनेगी, अनस्टेबल बनेगी। ऐसा होता ही है कि इस पे तो क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आए, कार्बन पे नेगेटिव और ऑक्सीजन में पॉजिटिव आए, ऐसा हो जाए तो वो हमेशा अनस्टेबल होगा। कारण ये है कि ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, उस पे नेगेटिव आता है, पॉजिटिव नहीं आता, इस कारण से ये अनस्टेबल है। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या रहेगा, अनस्टेबल। अनस्टेबल का तो लेस स्टेबल होगा। और तो हम कहेंगे कि यहाँ पे अल्फा पोजिशन पे जो अटैक हो गया इलेक्ट्रोफाइल का, जो प्रोडक्ट बनता है वो बनेगा मोर स्टेबल, और बीटा पोजिशन पर ये अटैक हो गई जो प्रोडक्ट बनेगा वो रहेगा अपना लेस स्टेबल। ये हो गया इसमें कि इस प्रकार से, ये तो इसमें इंट्रोडक्शन बताया कि किस प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो होती है। अब देखें इसकी केमिकल रिएक्शंस किस प्रकार से, ये तो हमने बताया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है इसकी, वो इस प्रकार से संपन्न होती है। ठीक है, अब देखिए हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एग्जांपल्स पढ़ेंगे। प्रोडक्ट तो दोनों ही बनेंगे, अल्फा पोजीशन पे अटैक होकर के भी प्रोडक्ट बनेगा और बीटा वाले पोजीशन पे अटैक होकर प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ज़्यादा स्टेबल कौन से वाला रहेगा, तो इसके लिए बोला जाएगा कि जो अल्फा पोजीशन पे ऊपर बनेगा ना, अल्फा पोजीशन पे अटैक होकर जो प्रोडक्ट बनता है वो वाला मोर स्टेबल होगा। तो इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शन में वही है कि अपने को बेंजो फ्यूरेन की रिएक्शन है वो करवानी है किसी हेलोजन के साथ में, और वहां पे अल्फा और बीटा पोजीशन पे क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होगा हेलोजन का। ठीक है, देखते हैं Cl2 की एक और Br2 की एक साथ में करवाते हैं, एक साथ में लिखते हैं अपन इसको। जैसे बेंजो फ्यूरेन हमने बना लिया यहाँ पे, ये तो पढ़ ही लिया अल्फा पे कैसे होगा और बीटा पे कैसे होगा, ये है। एक साइड में हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं Cl2 के साथ में, और एक साइड में हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं Br2 के साथ। हेलोजन के रूप में Cl2 ले लिया और साथ में क्या ले लिया हमने, Br2 ले लिया। अब यहाँ पे जो सॉल्वेंट वगैरह, जैसे इसमें कार्बन डाइसल्फाइड है और इसके अलावा ईथर ले लिया और CCl4 ले लिया, ये सॉल्वेंट के रूप में। ऐसे इसमें भी ले लिया हमने CH2, कार्बन डाइसल्फाइड ले लिया और यहाँ पे ईथर ले लिया। अब इसमें दो दो प्रोडक्ट बनेंगे दोनों के अंदर ही, और दोनों के अंदर दो प्रोडक्ट बनेंगे वो कौन से रहेंगे। फर्स्ट में तो वही आता है कि पहले दोनों Cl इस डबल बॉन्ड पे अटैच हो जाएंगे, फिर एक वाला बाहर निकल जाएगा, तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो अपना रहेगा कुछ इस प्रकार से, ये है। अब एक बार तो क्या बनेगा, यहाँ पे Cl बन जाएगा, ठीक है, और दूसरे वाले प्रोडक्ट में यानी कि ये डबल बॉन्ड यहीं पे रहेगा, दूसरे वाले में क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे Cl बन जाएगा। ये था अल्फा और बीटा पोजीशन पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, अब देखें इसमें, अब ये वाली दोनों है ना, ये ध्यान रखना कि बनते कैसे हैं ये वाले प्रोडक्ट से हो, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनेगा। पहले यहाँ से क्या बनेगा, दोनों बी या दोनों सी एल मान लीजिए इस डबल बॉन्ड पे जाके अटैच हो जाएंगे, डबल बॉन्ड मान लीजिए इस प्रकार से टूट गया, एक सी एल यहाँ एक सी एल यहाँ जुड़ गया, तो इससे क्या बन गया अपना, इससे बन गया इस प्रकार से सी एल और ये किए सी एल। अब यहाँ पे क्या है, एच है, यहाँ पे भी एच है, अपने को एच सी एल बाहर निकालना है। यदि ये निकाले हम इसका सी एल निकालेंगे तो इसका एच निकालेंगे, यदि ये वाला बॉन्ड घूम के यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ एच पॉजिटिव सी एल एन के माइनस में एच सी एल डबल बॉन्ड बनेगा, सी एल एच सी एच से रहेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। और यदि हम इसका एच निकाल दें तो इसका एच घूम के यहाँ आएगा और इसका सी एल एन एच पॉजिटिव सी एल एन के, अब इस बार सी एल ये मेंटेन यहीं पे है तो ये बनेगा, सीधी सी बात ये। अपन तो फाइनल प्रोडक्ट बता रहे हैं, तो ये बनेगा एक ही बनेगा। इसी प्रकार से बी आर टू में एक में बी आर यहाँ एक में बी आर यहाँ, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा, एक में तो अपन बना लेंगे कि बी आर कहाँ पे प्रेजेंट है, बीटा पोजीशन पे, प्लस में दूसरा जो इसका प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो बी आर है वो आपकी रहेगी यहाँ पे। तो दो दो प्रोडक्ट बने, दो ही इसमें बने हैं और दो ही इस वाले केस में, ये होता है ब्रोमिनेशन होना, सॉरी हेलोजिनेशन है, एक में क्लोरिनेशन हो गया एक में ब्रोमिनेशन हो गया। ठीक है, अब इसके नाम लेते हैं तो क्या हो जाएगी, यहाँ स्टार्ट किया 1 2 3 1 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो
थ्री क्लोरो बेंजो फ्यूरेन, इसका नाम देखें, टू पे क्लोरो है तो इसका नाम हो जाएगा टू क्लोरो बेंजो फ्यूरेन। इनके नाम देखें तो वन टू थ्री, इसके देखें तो वन टू थ्री, इसमें थ्री पे जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, इसमें टू पे जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा थ्री ब्रोमो। ब्रोमो के बाद बचा हुआ तो क्या है, बेंजो फ्यूरेन ही है, इसका नाम हो जाएगा बेंजो फ्यूरेन। इसी प्रकार से इसका देखें तो क्या आएगा, टू ब्रोमो बेंजो फ्यूरेन, ये आ जाएगा। ये हो जाएंगे हैलोजिनेशन के बाद में बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनके नेम। उसके बाद में देखें हैलोजिनेशन के बाद में नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे जो बेंजो फ्यूरेन है ना वो हम इन सभी रिएक्शन में कॉमन रखे हैं, ये है अपना बेंजो फ्यूरेन, बेंजो फ्यूरेन्स, ये फर्स्ट रिएक्शन थी हैलोजिनेशन रिएक्शन। सेकेंड जो रिएक्शन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, वो सेकेंड रिएक्शन रहेगी अपनी नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण अभिक्रिया। ये हैलोजिनेशन में दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन ये मान लीजिए यहाँ पे हम इसको हटा ही देते हैं, हैलोजिनेशन में क्या होगा, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे लेकिन नाइट्रेशन में ऐसा नहीं होता। यदि यहाँ पे नाइट्रेशन किसकी, नाइट्रेशन एजेंट लेंगे, नाइट्रेशन एजेंट के रूप में हम लेते हैं HNO3 को, और HNO3 के साथ में हम कोई एसिड जैसे एसिटिक एसिड ले लिया या फिर H2SO4 ले लिया, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रेटिंग एजेंट है, इसमें से जो इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकलेगा वो होगा NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन है वो नाइट्रेशन की रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है, बन गया। अब ये आएगा और ये अटैक करेगा टू वाले पोजीशन पे, सिर्फ अल्फा वाला बनेगा, बीटा वाला इसमें बनता नहीं है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे टू नाइट्रो बेंजो फ्यूरेन, बन गया ये वाला सेकंड, ये प्रोडक्ट बनेगा, थ्री नाइट्रो बेंजो फ्यूरेन इनमें नहीं बनता। सेकंड केस ऐसे आता है, यदि अपने पास क्या हो, इसको हम साफ कर देते हैं, यदि जो टू वाली पोजीशन पे है बेंजो फ्यूरेन की, उस पे यदि पहले से ही कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो, यानी ये जगह खाली नहीं हो, मतलब कहने का मतलब ये कि यदि इस प्रकार से हो और ये बना दिया हमने और ये टू वाली पोजीशन पे पहले से ही ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, वन टू टू पे लगा फेनिल, इसका नाम हम रख देंगे टू फेनिल और बेंजो और फ्यूरिन, इसका भी क्या करवा सकते हैं हम, नाइट्रेशन करवा सकते हैं, वही लिया हमने HNO3 कोई एसिड की प्रेजेंस में, जैसे हमने ले लिया, हाँ एसिटिक एसिड, यहाँ भी इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, इसमें से वो होगा नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव, लेकिन इसमें क्या है कि सेकंड वाले पोजीशन पहले से क्या है, ऑक्यूपाइड है, इस कारण से जो नाइट्रोनियम आयन है इलेक्ट्रोफाइल वो इस वाले पोजीशन पे अटैक करेगा, और इस वाले पोजीशन पर अटैक करने से यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा आपका, एक तो ये है NO2 और यहाँ पे क्या बनेगा आपका C6H5। वन टू थ्री, यहाँ पे हम बोलेंगे कि थ्री पे तो क्या जुड़ा हुआ है नाइट्रो, टू पे क्या जुड़ा हुआ है फेनिल, और साथ में नाम हो जाएगा इसका बेंजो फ्यूरेन, ये रहेगा आपका नाइट्रेशन। कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं हो, दोनों पोजीशन खाली, जब तो एल्फा वाले पे अटैक होगा नाइट्रो का, नाइट्रोनियम आयन को, यदि एल्फा वाले पोजीशन पहले से ऑक्यूपाइड हो तो बीटा वाले पोजीशन पे इसका क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा, ये रहेगी आपकी नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन के बाद में थर्ड रिएक्शन रहेगी अपनी सल्फोनेशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रही है अपनी, उसमें नेक्स्ट रिएक्शन रहेगी सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन में जो ये रिएजेंट यूज करते हैं वो कौन सा रहेगा आपका, H2SO4, ठीक है, H2SO4 कंसंट्रेट, H2SO4 नहीं, ओली होगा H2H2O7 उसका यूज करते हैं मोस्ट, H2SO4 के साथ में यदि हम क्या ऐड कर दें, SO3 ऐड करें तो ये बनेगा H2H2O7, जिसे ओलियम के नाम से या फिर इसको सैधुम ओली सैधुम सल्फ्यूरिक हम भी बोल सकते हैं, तो ओलियम का यूज किया जाता है इसमें सल्फोनेटिंग एजेंट के रूप में। इसमें और नाइट्रेशन वाले में डिफरेंट डिफरेंस ये है कि नाइट्रेशन है वो अल्फा पोजीशन पे अटैक करने से बनेगा नाइट्रेशन रिएक्शन में, और सल्फोनेशन रिएक्शन में बीटा पोजीशन पे अटैक होगा, चाहे अल्फा वाली वेकेंट हो चाहे वो ऑक्यूपाइड हो, तो
तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या हो रहा है ये बात चल रही है, इससे जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो होगा यहाँ पे SO3, SO3 होगा, फिर यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो निकलेगा किसके फॉर्म में, एच पॉजिटिव के रूप में, एच पॉजिटिव इसके पास जाएगा सल्फर पे के पास में, क्या ऑक्सीजन के पास में लोन पे है उनको लेगा, उसके साथ में जुड़ेगा, ये अपने लोन पे दे रहा था, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है उसके साथ में ये बना हुआ इलेक्ट्रोफाइल है वो जुड़ेगा, ये रहेगा इसमें, ये निकलता है हालांकि, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल ये वाला होता है इस पे। तो यहाँ पे बन जाएगा, ये है बेंजीन बेंजोफ्यूरेन और इस वाले पोजीशन पे बनेगा SO3H। तो 1, 2, 3, तो इसको हम बोलते हैं नाम वैसे बेंजोफ्यूरेन, बेंजोफ्यूरेन 3 सल्फ्यूरिक एसिड, बेंजोफ्यूरेन 3 सल्फ्यूरिक एसिड, ये रहेगी सल्फोनेशन रिएक्शन, इस प्रकार से होगी। हमेशा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, बीटा पोजीशन पे अटैक होने से ही यहाँ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो होगा, ये होगी आपकी सल्फोनेशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अपन, एसिलेशन करवा देते हैं, ठीक है, जो अपना फिडलक्राफ्ट रिएक्शन होते हैं ना, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन वो करवाते हैं हम एक साथ में, एक साइड में एसिलेशन और एक साथ में क्या करवाएंगे, एल्काइलेशन करवाएंगे। तो फोर्थ रिएक्शन हो जाएगी अपनी फिडलक्राफ्ट फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, बेंजोफ्यूरेन की फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन करवाएंगे। देखो इसमें क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, एक साइड दो प्रकार की होती है फ्रीडलक्राफ्ट, एक तो होती है एसाइलेशन और एक होती है अपनी एल्काइलेशन, दोनों ही होती है बेंजोफ्यूरेन में। अब देखें दोनों किस प्रकार से होंगी, इसमें एक साइड में हम कराएंगे, टू टाइप की होती है, एक तो फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, एक होती है फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन। एल्काइलेशन में हम एल्किल हैलाइड का यूज करते हैं, एसाइलेशन के अंदर हम एसिल हैलाइड भी ले सकते हैं या फिर इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड का उपयोग करते हैं रिएजेंट के रूप में। एक साइड में हम देखते हैं इसमें एल्काइलेशन, एल्काइलेशन करेंगे हम यहाँ पे, यहाँ पे हमने ले लिया कि हम कर रहे हैं फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और इस साइड में हम कर रहे हैं फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है, दोनों में रिएजेंट अलग अलग रखने हैं, ये ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है। इसमें हम ले लेंगे जैसे एल्किल हैलाइड के रूप में CH3 थ्री डिग्री एल्किल हैलाइड ले लिया, Cl माने या अक्ष माने कुछ भी माने, अक्ष बोल देते हैं कोई हैलोजन है। इस साइड में हम लेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, अब इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है वो कार्य करता है, अक्ष नेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव इसके साथ में जुड़े हुए 3 मेथिल ग्रुप, फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में ये होता है इलेक्ट्रोफाइल। इसमें अब मान लीजिए इसमें ये वाला बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक कर गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो ये बचा हुआ है CH3 सी डबल बॉन्ड हो इस कार्बन पे पॉजिटिव एसिल ग्रुप, एसिल ग्रुप इसमें किसकी तरह कार्य करता है इलेक्ट्रोफाइल के रूप में, और इसमें ये वाला कार्य करेगा इलेक्ट्रोफाइल के रूप में। अब बात आती है कि ये अटैच कहाँ पे होते हैं, ठीक है, तो इसमें दोनों वाले प्रोडक्ट बनते हैं, एसाइलेशन में केवल बीटा पोजीशन पे अटैक होता है और इसमें दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, इसमें एक बार तो ये यहाँ जुड़ जाएगा एक बार ये यहाँ जुड़ जाएगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे, तो इसमें दोनों प्रोडक्ट बनाते हैं, ये बन गया आपका, एक बार तो यहाँ जुड़ेगा CH3 थ्राइस, सेकेंड वाले प्रोडक्ट में ये आपके ऐड हो जाएगा, इसमें ये बीटा पोजिशन पे ऐड हुआ है और यहाँ पे ये अल्फा पोजीशन पे ऐड हो जाएगा, दो प्रोडक्ट बन गए, ये बीटा पोजीशन पे अटैक होने से बना है, ये अल्फा पोजीशन पे अटैक होने से बना, दो बन गए एल्काइलेशन में। एसाइलेशन में क्या होगा, नहीं अब जहाँ पे ये अटैच हुआ है वहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से हुआ है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा अक्ष नेगेटिव के साथ में, एच पॉजिटिव अक्ष नेगेटिव एच अक्ष के रूप में, वैसे ये निकल जाएंगे। ऐसे ही इसमें क्या होगा, बाहर क्या निकलेगा, तो हम कहेंगे यदि इसमें तो एक ही जगह पे अटैक होता है सिर्फ,
वहां से हाइड्रोजन निकलेगा एच पॉजिटिव के रूप में, ऑक्सीजन नेगेटिव है तो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच एसिटिक एसिड है वो इस वाले में क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। और इसमें हमेशा विला पोजिशन बैठे होता है तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा एसाइलेशन में वो रहेगा आपका कुछ इस प्रकार से ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। ठीक है अब इसका नाम लिखिए 1 2 3 तो 3 पे क्या जुड़ा हुआ है एसिल ग्रुप जुड़ा हुआ है 3 एसिल बेंजो फ्यूरेन ये हो गया। और एल्काइलेशन में दो बनेंगे 1 2 3 और 1 2 3। ठीक है ये कोई भी एल्किल ग्रुप हो इसमें बोलेंगे 3 एल्किल नाम लिखे थे कोई भी मेथ ये क्या टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप है यहाँ पे ये एल्किल बेंजो फ्यूरेन और यहाँ पे जुड़ा हुआ है उसका नाम रखेंगे हम 2 एल्किल कोई भी एल्किल ग्रुप है इसमें वही है टर्शियरी ब्यूटिल है और साथ में नाम क्या आ जाएगा यहाँ पे बेंजो फ्यूरेन ये याद रखना है। एल्काइलेशन में दोनों प्रोडक्ट बनेंगे एसाइलेशन में एक बनेगा और वो एक बनेगा वो बीटा पोजीशन पे टेक होने से बनेगा 3 एसिल बेंजो फ्यूरेन। ये आपकी होगी फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से यहाँ पे जानी जाती है। ठीक है फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन होगी इतनी बोलते हैं ये वाली रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो इतनी बोलते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं उसके बाद में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ेंगे इसका उसके बाद में देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक के चार पार्ट हो गए यहाँ पे चारों इजी थे एक जैसे ये लगभग ये याद रखना कि अल्फा पोजिशन पे अटैक होगा या फिर बीटा पोजीशन पे अटैक रहेगा। ठीक है सेकंड लिखें इसमें आएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है सेकंड टाइप की रिएक्शन रहेंगी आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगी कुछ रिंग ओपनिंग भी होती है कुछ रिंग ओपनिंग नहीं भी होती है दो पर लेते हैं हम इसमें फर्स्ट में देखो रिंग ओपनिंग रिएक्शन में यानी यहाँ पे हम लिखते हैं रिंग ओपनिंग रिएक्शन और वहाँ पे रिंग ओपनिंग रिएक्शन सेकंड वाले में नहीं होगी। सेकंड वाले में क्या करते हैं हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं एन ब्यूटिल लिथियम के साथ में माइनस में 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे तो क्या होगा कि इस बेंजोफ्यूरेन का लिथिनेशन हो जाएगा यानी यहाँ पे इसके अल्फा पोजीशन पे लिथियम मेटल अटैक करेगी यहाँ पे जुड़ जाएगी वो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा एलआई 1 2 पे जुड़ा हुआ है तो हम इसको बोलेंगे 2 लिथो बेंजोफ्यूरेन 2 लिथो बेंजो फ्यूरेन। आगे समझ में ये देखो रिंग ओपनिंग रिएक्शन इसमें कुछ किस प्रकार से होगी रिंग ओपनिंग रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे तो यहाँ पे आएगा अल्कोहल और बेस की प्रेजेंस में करवाएंगे तो यहाँ पे हमने ले लिया C2H5OH उसके साथ में हमने कोई एल्कली जैसे KOH ले लिया रिंग ओपनिंग रिएक्शन यहाँ से करवा दी ये वाला टूट गया ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज नेगेटिव के साथ यहाँ से एच पॉजिटिव जाएगा बना लिया यहाँ पे चार्ज कौन सा है तो हम बोलेंगे यहाँ पे चार्ज आ गया पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के साथ में यहाँ से क्या जुड़ेगा जो OH है वो यहाँ से जाके जुड़ेगा इससे एच पॉजिटिव निकलेगा इस ऑक्सीजन नेगेटिव पे जाएगा इससे OH नेगेटिव निकलेगा इस कार्बन पॉजिटिव पे जाएगा तो रिंग ओपनिंग होने से फर्स्ट स्टेप में कुछ इस प्रकार से हमें मिलेगा ये यहाँ पे सी कार्बन सी एच था ये वाला यहाँ पे भी सी एच है तो ये डबल बॉन्ड सी एच और OH जो यहाँ से जाके जुड़ गया इसके ऊपर एड हुआ है यहाँ पे क्या बना है अपना OH ये बनेगा रिंग ओपनिंग होने से फर्स्ट वाले स्टेप में। अब हम इसमें क्या करवाते हैं कुछ रीअरेंजमेंट करवा देते हैं। ठीक है इसके अंदर हमें क्या करवाना है रीअरेंजमेंट करवाना है देखें रीअरेंजमेंट करवाने से क्या बनेगा इस प्रकार से है ये इस प्रकार से ठीक है क्या होगा ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जाएगा मतलब हाइड्रोजन ये बॉन्ड यहाँ घूम जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ घूमेगा एच पॉजिटिव है वो इस कार्बन नेगेटिव से जुड़ेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो रीअरेंजमेंट होने से जो यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है अपना वो कौन सा है
तो हम बोलेंगे CH2 एक हाइड्रोजन आ गया, CH2 बन गया। इस ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये कार्बन से जुड़ा हुआ एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये OH, यानी यहाँ पे क्या था, एल्कोहल था, और यहाँ पे ये अपना क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। CHO ग्रुप बना दिया हमने इससे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, तो रिएक्शन एक साइड की होगी, लिथिनेशन रिएक्शन वाले ये वाला हो जाएगा। अब देखिए दूसरी साइड, मतलब कि रीअरेंजमेंट होने के बाद में जो बना है उसमें और क्या चेंज हो सकता है, उसमें यदि हम क्या करवाएं, कैनिजारो रिएक्शन करवा दें, कैनिजारो रिएक्शन करवा दें, ठीक है, इस वाले के अंदर कैनिजारो रिएक्शन यदि करवा देते हैं, इसमें क्या होगा, H2 एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा, 2H की फॉर्म में लिखें तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है वो प्राइमरी एल्कोहल में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा कुछ इस प्रकार से CH2 और CH2 और OH, और यहाँ से बन जाएगा आपका OH। ये भी था एल्कोहल लेकिन ये क्या था, अनसेचुरेटेड था, डबल बॉन्ड कैंसिल से उसमें क्या आया आपका, सिंगल बॉन्ड आया। ये भी प्रोडक्ट बन सकता है, 2-hydroxyphenyl ethanol, तो इसका नाम हम क्या लिख देंगे, इसके लिए 1-2 बोले दो, 2-hydroxyphenyl ethanol, फिनोल, 2-hydroxyethanol फिनोल बनेगा, 2-hydroxyphenyl ethanol बनेगा, फेनिल एथेनोल, ठीक है, 2-hydroxyphenyl ethanol, ये वाला एथेनोल, ये इस प्रकार से अपना बन जाएगा, 2-hydroxyphenyl ethanol, फिनोल बनेगा भैया, इस प्रकार से होगा ये, 1-2, तो 2 पे जुड़ा हुआ है ये हाइड्रोक्सी ग्रुप, 1 पे जुड़ा हुआ है ये फिनोल, फिनोल नहीं होगा, फिनोल, और ये बचा हुआ क्या है, एथेनॉल बोलेंगे, या फिर इसको एथेन बोले, क्योंकि वो इसको हाइड्रोक्सी ग्रुप पे काउंट कर ही लिया हमें। ये रहेगी इसमें दो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक रिंग ओपनिंग से, दूसरी विदाउट रिंग ओपनिंग से। उसके बाद में नेक्स्ट में हम करेंगे, दो प्रकार की रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद में हम करेंगे रिडक्शन, पढ़ेंगे थर्ड जो रिएक्शन है इसकी बेंजोफ्यूरिन की, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे रिडक्शन। रिडक्शन में अपने को अब चेंज करवाना है, और रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम अलग अलग लें, तो इसका रिडक्शन दो प्रकार से हो सकता है, या तो केवल इसका ये जो फ्यूरिनोइड वाली रिंग है ना, ये जो 5 मेंबर है सिर्फ ये, इसका हो जाए रिडक्शन, या फिर इसका। रिडक्शन में क्या होगा, जो डबल बॉन्ड होते हैं ना, इसमें और कोई ग्रुप तो है नहीं, केवल डबल बॉन्ड ही ऐसे हैं जो कि रिड्यूस हो सकते हैं, इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें एक है, इसमें तीन है, केवल डबल बॉन्ड ही इसमें क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। तो देखिए दो प्रकार से, एक तो वे होते हैं जिनमें केवल इस रिंग का रिडक्शन हो, इसका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो, एक वो होते हैं जिसमें दोनों के हो जाए। देखिए थर्ड जो रिएक्शन रखेंगी अपनी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद में थर्ड रिएक्शन रखेंगी अपनी रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। रिडक्शन में देखो, यदि हम इस बेंजोफिरेन की रिएक्शन करवा दें किसके साथ में, जैसे कि अपन इसकी रिएक्शन निकल धातु के साथ में इसका रिडक्शन करवा दें, निकल धातु के साथ नहीं करवा दें, इसका वो ग्लांग अपचेन करवाएं, वो ग्लांग अपचेन होता है सोडियम एथेनॉल की प्रेजेंस में, जिसको हम बोलते हैं वो ग्लांग रिडक्शन। वो ग्लांग साइंटिस्ट था, उसने बताया कि सोडियम और एथेनॉल के साथ रिडक्शन की प्रोसेस है, वो इस कारण से इसको, अभी नहीं कि वो ग्लांग केवल इसका ही करता है, ये रिडक्शन सभी जगह काम में आता है, सभी का रिडक्शन करने के लिए काम में आता है। यहाँ पे हमने ले लिया तो बता दिया सर, या फिर प्लेटियम कार्बन की प्रेजेंस में करवा सकते, कुछ भी लें, बस अपने को मतलब है इसका अपने क्या करवाना, रिडक्शन करवाना है, ठीक है। इसमें केवल इसके द्वारा केवल 5 मेंबर रिंग है वो रिड्यूस होती है, तो इस वाले रिडक्शन से जो 5 मेंबर रिंग है जिसको हम फ्यूरेनोइड रिंग बोल रहे हैं, केवल इसी का रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा मतलब इन ये बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड है दोनों जगह, एक एक क्या लग जाएंगे, हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो इस प्रकार से रिडक्शन होने के बाद में हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो रहेगा इस प्रकार से। शो भी कर सकते हैं कि दोनों जगह डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन लगेगी, नहीं करें तो भी कुछ नहीं होता, सीधा लिख दें। तो यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, 1-2-3, 2 और 3 पे लिखे ना हाइड्रो ग्रुप, तो इसको हम बोलेंगे 2-3-dihydrobenzofuran,
यानी बेंजो फिर में चेंज क्या हुआ है, इस रिडक्शन से केवल 2-3 पे क्या लगे हाइड्रो ग्रुप लगे, दो लगे डाइहाइड्रो बोल दिया। लेकिन यदि इसी रिएक्शन को हम करवाएं हाई टेम्परेचर पे किसके प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आता है यदि रेने निकल की प्रेजेंस में हम इस रिएक्शन को करवाते हैं, ठीक है, रेने निकल लेंगे यहाँ पे, और रेने निकल होता क्या है, तो रेने निकल के रहता है कि जो निकल की पाउडर फॉर्म होती है ना, बिल्कुल पाउडर फॉर्म होती है, उसको हम रेने निकल के नाम से जानते हैं। रेने निकल के साथ में हाई टेम्परेचर पे यदि हम बेंजोफ्यूरिन का रिडक्शन करवाते हैं तो फ्यूरेनोइड रिंग के साथ साथ में बेंजिनोइड रिंग का भी क्या हो जाता है, रिडक्शन होता है। ये है 5 मेंबर्ड फ्यूरेनोइड रिंग, ये है 6 मेंबर्ड बेंजिनोइड रिंग। तो रेने निकल के साथ में हाई टेम्परेचर पे यदि बेंजोफ्यूरिन का रिडक्शन करवाया जाता है तो ये दोनों रिंग रिड्यूस हो जाएंगी। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि इस रिंग का ये डबल बोन्ड और इस रिंग के तीनों डबल बोन्ड क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन लेंगे 4H2, ठीक है, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो रहेगा आपका इस प्रकार से, ये बन गया, यानी 1 पे 2 पे 3 पे फिर 1, 2, 3 यहाँ सभी जगह क्या लग जाएंगे, हाइड्रोजन लग जाएंगे, ये बनेगा आपका। तो इसमें जो हाइड्रोजन जहाँ जहाँ पे लगते हैं उसका नाम रखा हुआ है 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने थे, 1, 2, 2 इसके 4 इसमें लगेंगे और 2 इसमें लगेंगे, 6 लगेंगे टोटल, 2, 3, 4, 5, 6, 7 उसके अगले लगेंगे 6 लगे ना, तो हेक्सा हाइड्रो और बेंजो फ्यूरिन, ये होता है रिडक्शन, समझ में आ गया। ये केवल फ्यूरेनोइड रिंग का रिडक्शन करता है, ये फ्यूरेनोइड बेंजिनोइड दोनों रिंग का रिडक्शन वो करता है, इसमें लगाए तो हाइड्रोजन इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, ये हो गए 6 जगह हाइड्रोजन, ये रहेगा बेंजो फ्यूरिन का रिडक्शन, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन पढ़ लेते हैं और एक दो रिएक्शन और देख लेते हैं। रिडक्शन यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन ये होगी। रिडक्शन के बाद में हम फोर्थ इसकी जो रिएक्शन है वो पढ़ेंगे, ऑक्सी रिएक्शन, ठीक है, ऐसे ही कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, ऐसे ही उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। यदि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यहाँ पे किसको लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट को लें, H2SO4 एसिडिक और साथ में KMnO4 का यूज करें, तो यहाँ पे बनता है आपका COOH और यहाँ पे लगेगा OH, रिंग ओपनिंग होगी। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, रिंग ओपनिंग रिएक्शन है वो हो रही है। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, और यदि यहाँ पे इसकी जगह CHO ग्रुप लग जाए एल्डिहाइड तब इसका नाम हो जाएगा सैलिसिलिकाइड। अब क्या बन रहा है, KMnO4 के प्रेजेंस में ये नॉर्मल है, कोई सब्स्टिट्यूटेंट इसमें नहीं लगा हुआ, तब बना है ये वाला सैलिसिलिक एसिड, वरना ये वाला नहीं बनता, वरना क्या बनता है वो अपन देखेंगे अभी, ठीक है। यदि हम इन केस कोई एक केस ऐसा ले लें, उस केस में हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो सेम यही रखेंगे, लेकिन वहां पे यदि हम इस जगह पे कोई मेथिल ग्रुप जोड़ दिया, मान लीजिए अब ये बेंजोफ्यूरिन है केवल सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है, इसका भी हम रिडक्शन सेम KMnO4 और H2SO4 से करवाएं तो क्या बनेगा इसके अंदर, उसमें आता है ये भी इसमें चेंज होगा, ये वाली इसमें भी क्या होगी, रिंग ओपनिंग होगी, सेम है ये तो, सेम है कि रिंग ओपनिंग होगी, लेकिन यहाँ पे ये COOH नहीं बनेगा, क्योंकि इस हाइड्रोजन OH ग्रुप की जगह इसमें क्या लग जाएगा, CH3 ग्रुप है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। देखें ये बनेगा कुछ इस प्रकार से, सी डबल बॉन्ड ऑफ CH3 और यहाँ पे तो OH बनेगा जो सेम है, केवल इस वाली जगह पे क्या होता है, इसमें चेंज होता है, ठीक है। नाम देखें तो इसका हो जाएगा 2-hydroxyacetophenone, ठीक है, 1 इस पे देखते हैं 1, 2, 2-hydroxy और एसिटो, ये पूरा है बचा हुआ, ये क्या होता है एसिटोफिनोल होता है। ये याद रखना कि ये वाला बेंजोफिरिन के साथ में इसका नाम क्या है, अब ये मतलब ना कि इसकी रिंग ओपनिंग रिएक्शन बोले नॉर्मल बेंजोफिरिन की करवाएंगे तब तो ये बनेगा, और यदि नॉर्मल बेंजोफिरिन नहीं हो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट लगा हुआ तो 1, 2, 3 अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 3-methylbenzofuran, तो उसमें लिखेंगे यदि हम 3-methylbenzofuran की रिएक्शन
या फिर इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट के रूप में 2-hydroxyacetophenol प्राप्त हो जाता है। आगे समझ में, ये रहेगा इसका ऑक्सीडेशन। दो रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन की भी, और इसमें ये बोल रहा है कि यदि हम इसका ऑक्सीडेशन है ओजोन के साथ में करवाए ना, नॉर्मल है इस बार ये मेथिल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, ओजोन की प्रेजेंस में करवाया जाए ना तो क्या होगा, यही बनेगा, एक तो बनेगा सैलिसिलिक एसिड और एक बनेगा सैलिसिलएल्डिहाइड। सैलिसिलएल्डिहाइड में ये तो सेम है, वो इसके साथ में करवाएगा ना तो एक तो यही बनेगा, प्लस में दूसरा क्या बनेगा, दूसरा मैं लिख देती हूँ, वो बनेगा आपके सी डबल बॉन्ड ओ एच और ओ एच, इसका नाम है आपके सैलिसिलएल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, तीन ऑक्सीडेशन हो गए, एक तो ये, एक मेथिल लग के ये, और एक नॉर्मल ओजोन की प्रेजेंस में करवाएं तो सैलिसिलिक एसिड भी बनेगा और सैलिसिलएल्डिहाइड का फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे हो जाएगा। हो गया होगा, भूलते हैं इतना तो। एक रिएक्शन और देख लेते हैं हम इसकी, और रिएक्शन हम लेते हैं इसकी एपोक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, लास्ट जो फिफ्थ नंबर रिएक्शन है वो बन जाएगी इसकी एपोक्सीडेशन रिएक्शन। एपोक्सीडेशन रिएक्शन आगे इसका मतलब एपोक्साइड रिंग बनेगी। एपोक्साइड रिंग हमेशा इन डबल बोन पे बनेगी और इसी फ्यूरेनोइड रिंग में एपोक्साइड रिंग है वो बन जाएगी। आप देख लेते हैं किस प्रकार से बनेगी। ठीक है, एपोक्साइडेशन का मतलब, एपोक्सीडेशन का मतलब एपोक्साइड रिंग बनेगी। उसमें हम रिएजेंट ये लेते हैं कि यहाँ पे भी मेथिल लिख दिया, यहाँ पे भी मेथिल जुड़ दिया, नाम क्या हो जाएगा, 1-2-3-2-3 डाई मेथिल, इस पे जुड़ते हैं 2-3 डाई मेथिल, आगे तो यही है बेंजोफ्यूल। अब इस तरह करवाते हैं हम एपोक्सीडेशन, किसमें एसीटोन सॉल्वेंट ले लेंगे हम, टेम्परेचर रख लेंगे माइनस में 78 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके साथ में CH2Cl2 है, मेथिल क्लोराइड है, डाई क्लोराइड ये ले लेंगे, साथ में ये ग्रुप ले लेंगे इसमें CH3CH3CH3 ये एपोक्साइड है, इसके साथ में करवाएंगे तो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ये जानना था कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक ऑक्सीजन इन दोनों के बीच जुड़ेगा, क्योंकि एपोक्साइड रिंग यही तो होती है कार्बन कार्बन के साथ जुड़ के, और एपोक्साइड रिंग है वो हमेशा ही डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे बनेगी, तो यहाँ पे जो अपना प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये होगा अपना एपोक्सीडेशन रिएक्शन, एपोक्साइड डेरिवेटिव बोलने तो। अब ये मतलब ना ये सारे ये एक साल में लगे इतने सारे जगह कहाँ पे मिली, तो ये वाला यदि बिलो द प्लेन होगा तो ये वाले कहाँ पे होंगे, अबोव द प्लेन होंगे, सेम प्लेन में नहीं होती एपोक्साइड रिंग और ये मेथिल डेरिवेटिव जुड़े हुए ना, सेम प्लेन में नहीं होते, अलग अलग, एक बिलो द प्लेन होगा दूसरा अबोव द प्लेन वो हो जाएगा। ये थी आपकी बोधा इतनी रिएक्शन बेंजोफ्यूरिन की रिएक्शन। ठीक है, इसके साथ में बेंजोफ्यूरिन कंप्लीट हो गया। कल की क्लास में जो नेक्स्ट कंपाउंड है ना इसका, मतलब कि बेंजोफ्यूज फाइव मेंबर हेटरोसाइक्लिक पढ़ रहे हैं हम आज से सेकंड यूनिट में, उसका फर्स्ट कंपाउंड बेंजोफ्यूरिन कंप्लीट हो गया। कल की क्लास में पढ़ेंगे बेंजोपाइरोल्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही।